हिंदी सिनेमा जगत के दमदार अभिनेता, नाम है सनी देओल। वही सनी देओल जिनका एक दौर था, जिस दौर में बॉलीवुड की तमाम एक्शन से लबरेज फिल्में आईं। इन फिल्मों को बड़े पर्दे पर लोगों ने बखूबी पसंद किया, साथ ही देशभक्ति में इन साहब का कोई जवाब नहीं। डांसिंग को छोड़कर अपने सभी किरदारों को बड़े पर्दे पर सनी देओल ने बखूबी पेश किया और लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्यार भी दिया। हालांकि सनी देओल के डांसिंग स्किल को लेकर हमेशा से उनका मजाक उड़ाया जाया करता था, लेकिन इसके उलट सनी देओल को लोगों ने प्यार भी बहुत दिया। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान सनी देओल ने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं और उन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान कई अभिनेत्रियों के साथ उनका नाम भी जुड़ा है। मूल रूप से सनी देओल फिल्मों में आने से पहले शादीशुदा हो चुके थे और उनका सबसे ज्यादा नाम दो अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया और ये दोनों अभिनेत्रियां थी डिंपल कपाड़िया और अमृता। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल और उनकी फिल्में एक समय में बहुत डिमांड में रहती थी। एक्शन रोमांटिक हर तरह के रोल में वो फिट बैठते थे। उनका दबंग अंदाज पर्दे पर खूब हिट रहा। इसी दौर में कई अदाकारों का दिल उन पर आ गया था। उनकी फिल्मों में शुरुआत रोमांटिक मूवी बेताब से शुरू हुई थी। 1983 में रिलीज हुई यह फिल्म चली तो सनी देओल जम गए और इस दौरान सिनेमा की दो दिग्गज अदाकाराओं के साथ उनका नाम जुड़ा। मालूम तो बताना चाहेंगे कि सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब में उनके अपोजिट थी सैफ अली खान की पहली बेबी और सारा अली खान की मां अमृता सिंह। इस फिल्म के दौरान ही सनी देओल और अमृता सिंह की करीबी की चर्चा होने लगी। सनी देओल शादीशुदा थे, लेकिन करियर के चलते उन्होंने इस बात का अधिक जिक्र नहीं किया था। अब ये बात खुलकर सामने आ गई तो अमृता ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। अमृता सिंह को इस बात का गुस्सा था कि उन्होंने शादी वाली बात छुपाई। जाहिर सी बात है, सनी देओल के कदकाठी और उनकी क्यूटनेस पर अमृता राव फिदा हो गई थी और उन्हें वो दिलो जान से प्यार भी करने लगी थी। लेकिन जब अमृता राव को पता चला कि वो शादीशुदा है तो उन्हें एकदम से एक बड़ा झटका लगा। सनी देओल को लेकर उनका गुस्सा भी देखने को मिला। उन्होंने सनी देओल से नाराजगी जताते हुए ये भी कहा था कि तुमने शादी वाली बात क्यों छुपाई। इसके साथ ही दूसरी अभिनेत्री की बात करें तो ये थी डिंपल कपाड़िया। अमृता सिंह के बाद सनी देओल की जिंदगी में डिंपल कपाड़िया की एंट्री हुई। 1984 की फिल्म मंजिल मंजिल में काम करते के दौरान एक दूसरे को ये दिल दे बैठे थे। ये वो दौर था जब डिंपल कपाड़िया अपने पति राजेश खन्ना से अलग हो चुकी थी। हालांकि सनी और डिंपल ने अपने रिश्ते को हमेशा छुपाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया था कि दोनों लिव इन में भी रह रहे थे। तो दोस्तों, ये थी वो दो अदाकाराएं जो सनी देओल पर फिदा हो गई थी। लेकिन फिल्मों में आने से पहले ही सनी देओल शादीशुदा हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद उनके करियर पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सनी देओल की बात करें तो सनी देओल ने अपना पहला कदम रखने से पहले ही पूजा देओल से शादी कर चुके थे, इस वजह से वो शादीशुदा होने की बात भी छुपाया करते थे। अक्सर कहा जाता है कि सिनेमा में शादी के बाद करियर ज्यादा नहीं बचता और ऐसा कई बार देखा भी गया है। शायद इसी वजह से सनी देओल शादी का जिक्र कम कर रहे थे। कहा जाता है कि सनी की वाइफ पूजा को उस वक्त लंदन भेज दिया गया था। सनी देओल समय निकाल कर चुपके से उनसे वहां मिलने जाया करते थे।